फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। मैं फिर से अगेन लाया हूँ इंडियन नेवी SSR-AA-MR का साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ऐसे मात्रक है, तो इसका राइट आंसर ऊर्जा बनेगा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन 4×10^7 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब आवेश होता है, तो 1.6×10^-19 कूलम्ब। ये भी इसका वैल्यू भी याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में कितना होगा, इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, तो 4550। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो फोटोन को बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता है। फोटोन एक मतलब कि इसको अलग अलग नहीं हम लोग तोड़ सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह, डायोड का उपयोग कैसे करते हैं, तो रेक्टिफायर की तरह। A^-1 आघूर्ण के चुंबकीय के क्षेत्र B की दिशा में 180 डिग्री से विक्षेपित करने पर किया गया कार्य कितना होता है? तो 2 MB किया गया कार्य होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान एप्सिलॉन नोट हो, तो वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा? तो बिल्कुल 12th का है, RMS वैल्यू सीखे होंगे, तो एप्सिलॉन नोट अपॉन रूट टू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब किसी एमीटर का संट किया जाए, तो इसका सीमा क्षेत्र क्या होता है? संट इसलिए किया जाता है ताकि इसका सीमा बढ़ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। एक तार में 10 mA की धारा प्रवाहित होती है, प्रति माइक्रो सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन उस तार द्वारा गुजरेगा? तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा 6.25×10^10। 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को संयोजन से महत्तम प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध से महत्तम दोनों समांतर श्रेणी के लिए, यानी कि और इस श्रेणी समांतर समूहन और श्रेणी क्रम समूहन दोनों के लिए निकाल के देखिएगा, तो राइट आंसर ज़्यादा आएगा, 3 ओम। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो पानी म्यू माइक्रो का वैल्यू 1.3 है, तो इसमें वेग कितना होगा? तो c/1.3 होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन क्या होता है? तो लाल होता है। इनमें से अदिश कौन है? तो अदिश चाल एक अदिश राशि है। अदिश सदिश से बिल्कुल एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। एम द्रव्यमान का पूर्णतः अप्रत्यास्थ पिंड एक दीवार के सीधे संघात करता है, तो संवेग कितना होगा? तो संवेग बराबर पी बराबर फार्मूला ही होता है mv। कोणीय संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो kg m² per second। एक लड़की झूला पर बैठी झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि टोटल मास जो है उस पर पड़ेगा दोलन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है खोखले गोले के भीतर विभव कितना होता है? तो कांस्टेंट यानी कि समरूप नहीं होता है, एक तरीके से नहीं होता है। खोखले गोले के भीतर विभव का मान स्थिरांक होता है बोल सकते हैं, या समरूप नहीं होता है। अगर यही विद्युत क्षेत्र रहता तो 0 इसका राइट आंसर करते हैं। ताप के बढ़ने से गैस का संयंत्रता क्या होता है? तो वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी बढ़ेगा। ऊष्मा के परिमाण के लिए ऐसा मात्रक, तो ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। दो स्वर द्विभुज की आवृत्ति क्रमशः 128 और इतना है, इनके हवा के उत्पन्न ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, तो इसको ये दोनों का रेशियो कितना होगा? तो 3:1, तो ये आंसर हो जाएगा। तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम। नाभिकीय विक्रिया में भाग लेती है कौन? तो नाभिकीय विक्रिया में नाभिक भाग लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो वायु अंगार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को वायु अंगार गैस कहा जाता है। कौन यौगिक एल्केन का है? तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, तो राइट आंसर बनेगा C2H6। नेक्स्ट है, सोडा लाइम किसका अवशोषण करते हैं? तो सोडा लाइम कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। सोडा लाइम किसका अवशोषण करते हैं? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो जड़ में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, तो आंसर इज बी होगा। तो इस तरह से आज का कंप्लीट हुआ इस वीडियो का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखे होंगे, अच्छा लगा तो फिर लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हमको पता चले कि आपका रिव्यू कैसा है। तो थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।